Hi, this is Poonam Sharma and you are watching Sadbhavna News powered by Best Solution Coaching Indore. Horse trading के आरोप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज. राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने और कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन के खिलाफ FIR दर्ज की है. इस मुद्दे पर देवेंद्र सिंह यादव का वीडियो जरूर देखिए. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले कि भाजपा 25 से 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा खरीदने का प्रयास कर रही है. इसमें भाजपा के नेताओं की भूमिका संदेह के घेरे में है. कल शाम और आज तक जो टेप सामने आए हैं उनसे एक बात साफ है कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार को गिराने और विधायकों को खरीदने का प्रयास किया है. सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कोरोना से लड़ने की बजाय भाजपा सत्ता पाने में लगी हुई है. मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया गया था. पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है लेकिन वे कांग्रेस की सरकार गिराने के प्रयासों में लगे हैं. जो टेप सामने आए हैं उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन की बातचीत सामने आई है. पैसा लेकर सरकार गिराने की बात की जा रही है. वायरल ऑडियो विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी बातचीत के बताए जा रहे हैं. इनमें एक व्यक्ति खुद को संजय जैन और दूसरा खुद को गजेंद्र सिंह बता रहा है. वहीं बातचीत में भंवरलाल शर्मा नाम का भी जिक्र है. ऑडियो में एक व्यक्ति कह रहा है कि जल्द ही 30 की संख्या पूरी हो जाएगी. फिर राजस्थानी में वो विजय भव की बात भी कर रहा है. एक व्यक्ति बातचीत के दौरान कह रहा है कि हमारे साथी दिल्ली में बैठे हैं, वे पैसा ले चुके हैं, पहली किस्त पहुंच चुकी है. बातचीत के दौरान खुद को गजेंद्र सिंह बताने वाला व्यक्ति सरकार को घुटने पर टिकाने की बात कर रहा है. आदरणीय मंत्री श्री अमित शाह के इशारे पर किस तरीके से लगातार चुनी हुई सरकारों को गिरा जा रहा है यह इससे सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हो या प्रदेश के नेता हो, किस तरीके से साजिश रचकर कांग्रेस की सरकारें चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं. जो कि ऑडियो टेप में साफ साफ ये नजर आ रहा है कि उनके केंद्रीय नेता जो शेखावत जी हैं वो किस तरीके से जो है सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं.